डियर स्टूडेंट्स, अज असी जो चैप्टर वाले पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नॉट ईवन टेंथ स्टैंडर्ड लई, तुसी नैक्सट स्टैंडर्ड दे विच भी इसनों पढ़ोगे। ईवन कंपीटिटिव एग्जामीनेशनस दे विच भी तुसी इस चैप्टर नूं यूज करोगे। ये जो चैप्टर अज पढ़ने जा रहे हैं, ये है अरिथमैटिक प्रोग्रेशन। अरिथमैटिक प्रोग्रेशन तुहाडे टेंथ स्टैंडर्ड दा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर फिफ्थ है, अरिथमैटिक प्रोग्रेशन। अरिथमैटिक प्रोग्रेशन जिहड़ा उहनू अंडरसटैंड करन लई सब तो पहला असी सीकुएंस नू अंडरसटैंड करांगे। सीकुएंस है जिस तरह, सपोज करो मैं तुहानू एक एग्जाम्पल दे रहा कि तुहाडे जो तुसी एट्थ दे विच सी तो तुहानू तुहाडे पेरेंट्स ने 200 रुपीज़ पॉकेट मनी दित्ती। उन्होंने ये तुहानू कहा कि हर साल तुहाडी पॉकेट मनी है जिहड़ी वह डबल की जाएगी। तो नाइनथ दे विच तुहाडी पॉकेट मनी 400 हो गई। टेंथ दे विच तुहाडी पॉकेट मनी है जिहड़ी वो 400 मल्टीप्लाइड बाय 2 800 हो गई। नैक्सट 11th दे विच 800 मल्टीप्लाइड बाय 2 1600 हो गई। एंड सो नैक्सट है, मैं एक तुहानू सीकुएंस दी एग्जाम्पल होर दे रहा। अपना 1 दा स्केयर, 2 दा स्केयर, 3 दा स्केयर, 4 दा स्केयर, सो मीन्स 1 4 9 16 सो एक सीक्वेंस है। जिस तरह ईवन नंबर्स ने 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। एक सीक्वेंस है ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 सो ऑन। सो ये सारे की ने सीक्वेंस ने। सीक्वेंस दे विच तुसी फर्स्ट सीक्वेंस है जिहड़ा साडा, ये होया सैकेंड सीक्वेंस, ये होया थर्ड सीक्वेंस, ये होया फोर्थ सीक्वेंस। असी चार सीक्वेंस है जिहड़े वो डिस्कस करन जा रहे हैं। फर्स्ट सीक्वेंस है जिहड़ा, इहदा इहदे विच डिफरेंस है जिहड़ा असी देखांगे किन्ना है। डिफरेंस किन्ना हैगा 400 माइनस 200, 200 दा फर्स्ट थर्ड सैकेंड टर्म ते फर्स्ट टर्म दे विच डिफरेंस है जिहड़ा किन्ना हैगा 200 दा है। थर्ड ते सैकेंड दे विच डिफरेंस किन्ना हैगा 400 दा, दैन 800 राइट। एदे विच डिफरेंस जिहड़ा हैगा वो किन्ना है 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 4 16 माइनस 9 7। नेक्स्ट डिफरेंस साडा है 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 10 2, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। सो तुसी जिहड़ा फर्स्ट साडा सीक्वेंस है उहदे विच डिफरेंस है जिहड़ा सेम नहीं है। सैकेंड दे विच भी डिफरेंस है जिहड़ा वह सेम नहीं है। थर्ड दे विच डिफरेंस हर टर्म दे विच सेम है। एंड फोर्थ दे विच भी डिफरेंस की है हर टर्म दे विच सेम है। मीनस इन्हां दा डिफरेंस पहला 200 सी, 400 फिर 800, इन्हां दे विच 3 5 7 डिफरेंस है जिहड़ा सेम नहीं है। हुण अरिथमैटिक प्रोग्रेशन की है, जिन्हां दे विच टर्म्स दे विच सेम डिफरेंस है उहनूं आपां की कहांगे अरिथमैटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट इहनूं असीं एपी कहांगे, अरिथमैटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म की है उहदी एपी। इहनां दे विच भी डिफरेंस की है। सो सीक्वेंस दे विच असीं
कि यह नैक्सट टर्म नू जज कर सकते हैं भी। यदि नैक्सट टर्म की होएगी 16 डबल कर लेना हैगा कितनी होएगी, इसे ढंग नाल की कर लेना 5 का स्केयर कितना होएगा 25। ए वी सीक्वेंस है, ए वी सीक्वेंस है, बट जी ए फॉर्म सीक्वेंस की है इनू आप कहेंगे ए पी। अंडरस्टैंड ए पी बाई डेफिनेशन ए पी की है अरिथमैटिक प्रोग्रेशन। एन अरिथमैटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म एक्सैप्ट द फस्ट टर्म। मीनस जिस तरह से ईवन नंबर की एग्जाम्पल ले सी, ये फिक्स नंबर है जो एड कर दिता, सपोज करो 2 एड कर दिता कि आ गया 4, ये 2 एड कर दिता 6, 2 एड कर दिता 8, 2 एड कर दिता 10, 2 एड कर दिता 12, सो ऑन। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जोड़ा ये फिक्स डिफरें फिक्स नंबर जोड़ा असी एड किया हर के एड किया फिक्स नंबर 2 2, इनू असी की कहेंगे कॉमन डिफरेंस। 2 इज हेयर, 2 इज कॉमन डिफरेंस। A fixed number is called common difference of the AP. Common difference can be positive. एक positive भी हो सकता common difference, negative भी हो सकता। जे मैंने इस तरह लिखा 12, 10, 8, 6, 4, 2, so on. So common difference की होएगा 10 minus 12 minus 2, 8 minus 10 minus 2, 6 minus 8 minus 2, 4 minus 6 minus 2, 2 minus 4 minus 2. So common difference can be positive. Here D is 2, here D is minus 2. Can be positive, can be negative or 0. For example 5, 5, 5, 5, so on. Here 0, 5 minus 5, 0, 5 minus 5, 0, D can be 0. So D can be positive, negative or 0. To understand general form of an AP, we shall take an AP 2, 4, 6, 8, so on. Here first term can be written as A or A1 or T1, that is equal to 2. Second term A2 or T2 is equal to 4. Here first term is 2, second term is 4, and third term A3 is equal to T3 is equal to 6. And fourth term A4 is equal to T4 is equal to 8. Now we shall subtract first term from second, means A2 minus A1 is equal to 4 minus 2, this is equal to 2. A3 third term from second term from third term, A3 minus A2 is equal to 6 minus 4, this is equal to 2. Similarly, A4 minus A3, this is equal to 8 minus 6, this is equal to 2. So here 2 is the common difference, that D is equal to 2. Now AP can be written as first term A is equal to 2. To write second term A2, we can write 2 plus 2, means A plus D. To write third term A3 is equal to 2 plus 2 plus 2, this is equal to 6, means
a plus d plus d, this is equal to a plus 2d. Fourth term, a plus, sorry, 2 plus 2 plus 2 plus 2 means a plus d plus d plus d, this is equal to 8. A plus d plus d plus d, this is equal to a plus 3d, so on. So we can write first term as a, second term a plus d, third term a plus 2d, fourth term a plus 3d, so on. Therefore, general form of an AP is equal to a plus d, a plus 2d, a plus 3d, so on. Or we can write a plus d, a 2 plus d, a 3 plus d, so on. Now question number second, exercise 5.1. Write first four terms of the AP when the first term a and the common difference d are given as follows. First part, a is given 10 and d is given 10. D is also 10, a is also 10. Now we have to write first four terms. First term is given, already given, means t1 is given 10. Now we have to write an other three terms. Second term, t1 plus d. First term plus d. First term is 10 plus d. 10, 10 plus 10 is 20. Third term, t3, second term plus d. Second term is 20. 20 plus 10, this is equal to 30. T4, third term plus d, 30 plus d, this is equal to 40. It can be solved using general form of the AP which was expressed to you earlier, means first term a is equal to 10, second term a2, second term a2 or t2, one and the same thing, a plus 2d, a plus 2d means, sorry, a plus d, second term a plus d, 10 plus 10, this is equal to 20. Third term a3, a plus 2d means first term a, 2d, 2 multiplied by 10, this is equal to 10 plus 20, this is equal to 30. A4, a plus 3d, you can solve in this way also. A means, here a is 10, 10 plus 2, 3 into 10, 10 plus 30, this is equal to 40. Now question number 3, part 1. For the following APs, write first term and the common difference. We have to write first term. AP is given. First part, AP is given. AP 3, 1, minus 3. Sorry, minus 1, minus 3. And so on. First term, you know.
फर्स्ट टर्म इज थ्री, फर्स्ट टर्म इज थ्री। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, टी टू माइनस टी वन, टी टू इज वन, टी वन इज थ्री, वन माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। सेकेंड पार्ट एपी इज गिवन माइनस फाइव, माइनस वन, थ्री, सेवन एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म हियर इज माइनस फाइव कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज माइनस वन, माइनस इज इन फॉर्मूला एंड फर्स्ट टर्म इज माइनस फाइव, फर्स्ट टर्म इज माइनस फाइव, माइनस वन माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस फाइव, प्लस फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर। सो कॉमन डिफरेंस इज फोर एंड फर्स्ट टर्म इज माइनस फाइव। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ फर्स्ट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल असी चेक करना है भी इन्हों दे विचों केड़ी एपी है, जे एपी है तो उहदा आपां कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। मीनस इहदे थ्री पार्ट्स होणगे। फर्स्ट पार्ट दे विच असी की फाइंड करना भी ये जिहड़ी गिवन सीक्वेंस है वह एक एपी है जां नहीं है, राइट। जे है तां उहदा की फाइंड करना, डी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, सैकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट की है, उहदियां थ्री टर्म्स असी होर लिखनियां ने। जे ओ एपी नहीं है दैन वी सानू कोई जरूरत नहीं है कॉमन डिफरेंस फाइंड करन दी, ते ना ही उहदियां नैक्सट थ्री टर्म्स ने जिहड़ियां असी ओह फाइंड करनियां ने। सो फर्स्ट सम गिवन सीक्वेंस इज 2, 4, 8, 16 सो ऑन। इत्थे असी चेक करना है कि ये एपी सीक्वेंस है जिहड़ा एपी है जां नहीं है। सो एपी चेक करने की खातर असी की करांगे, इन्हां दा कॉमन डिफरेंस फाइंड करांगे, इन्हां दा डिफरेंस फाइंड करांगे। जे डिफरेंस आ जिहड़ा दो कंजीक्यूटिव टर्म्स दे विच वो सेम आउंदा दैन इट इज़ एपी, अगर डिफरेंस आ जिहड़ा वो सेम नहीं आउंदा ते असी ये एपी नहीं है। सो सैकेंड टर्म दे विचों फर्स्ट टर्म ए टू माइनस ए वन, फोर माइनस टू दिस इज इक्वल टू टू। थर्ड टर्म दे विचों सैकेंड टर्म माइनस करांगे, ए थ्री माइनस ए टू, एट माइनस फोर दिस इज इक्वल टू फोर। हियर डिफरेंस इज नॉट सेम, हियर डिफरेंस इज टू एंड हियर डिफरेंस इज फोर, दिस इज नॉट सेम। ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, देयर फोर इट इज नॉट एन एपी, ए पी नहीं है। अगर ए पी नहीं है तो असी सानू डी फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं, नैक्सट थ्री टर्म्स फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन सैकेंड पार्ट है। सैकेंड पार्ट के सब तो पहला असी चेक करांगे भी जिहड़ा गिवन सीक्वेंस है वह ए पी है जां नहीं है, वो सेम वे दे नाल असी उहनू फाइंड करांगे। फोर टर्म्स सानू दित्तियां होईयां ने, ए टू माइनस ए वन, ए टू इज फाइव ओवर टू माइनस ए वन इज टू ओवर वन, एलसीएम ऑफ टू एंड वन इज इक्वल टू टू, टू डिवाइडेड बाई टू वन मल्टीप्लाइड बाई फाइव, फाइव टू डिवाइडेड बाई वन इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाई टू इज इक्वल टू फोर, फोर फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू वन ओवर टू। सिमिलरली ए थ्री माइनस ए टू इज आल्सो वन ओवर टू, ए फोर माइनस ए थ्री इज आल्सो वन ओवर टू। सो ए वन माइनस ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री, देयर फोर इट इज एन ए पी। ए फर्स्ट पार्ट असी सॉल्व कर लिया, ये ए पी है। अगर ए पी है दैन कॉमन डिफरेंस इज वन ओवर टू, कॉमन डिफरेंस इज वन ओवर टू। नाउ वी हैव टू फाइंड एन अदर
three terms, means four terms are given to us. We have to find fifth term of this AP. Fifth term formula, A4 plus D. A4 is given 7 over 2 plus D is 1 over 2. This is equal to 4. A6. Sixth term, A5 plus D. A5, we have found it. 4 plus D is 1 over 2. This is 9 over 2. Seventh term, A6 plus D, 9 over 2. A6 term plus D, 1 over 2. So this is 5. Thank you. Thank you very much.